प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 9 का संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ स्वर्ण काग्य है जो कि कहानी है वो पढ़ेंगे। ये आपकी पुस्तक शैमुशी प्रथमो भाग से लिया गया है, तो आप सभी ये पुस्तकें निकाल लें और इस पाठ को ध्यानपूर्वक समझें। तो प्रस्तुत वो अयम पाठ है, श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति ग्रंथ कथा संग्रहाद गृहीतो अस्ति। ये जो पाठ है ये पद्मशास्त्री नाम के जो संस्कृत के साहित्यकार हुए हैं उनके विश्व कथा शतकम नाम के ग्रंथ से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनं विद्यते। तो इस ग्रंथ के अंदर विश्व के अलग अलग देशों की 100 कथाओं का वर्णन है। ऐसा कथा वर्म देश से श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये जो कहानी है ये बर्मा देश की लोक कथा है। अस्या कथायाः लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काग माध्यमेन वर्णितो अस्ति। तो ये जो कहानी है इसके अंदर लोभ करने के, लालच करने के जो भी अपने को नुकसान हो सकते हैं वो बताए गए हैं, और संतोष करने के या त्याग पूर्वक जीवन जीने के हमको क्या फायदे हो सकते हैं वो बताए गए हैं। तो सोने के पंखों वाले कौवे की ये कहानी है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो कहानी में शुरू कर रहा हूं। पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। तो पुराने जमाने में एक किसी गांव के अंदर एक गरीब औरत रहती थी, बूढ़ी और गरीब औरत रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तो उसके जो है एक जो दुहिता थी उसकी वो विनम्र थी और मनोहर थी, ठीक है ना। तो उसकी विनम्र का मतलब हो गया कि वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी, सबका रेस्पेक्ट करती थी, और मनोहरा मतलब कि बड़ी प्यारी बच्ची थी, तो उसकी वो बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। तो एक बार माता ने चावलों को धूप में देने के लिए एक थाली में रखा और अपनी बेटी को बोली, यानी अपनी बेटी को आदेश दिया कि सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष, यानी कि सूर्य की रोशनी में मैंने इनको रखा है, चावलों को धूप लगाई है, तो तुम इनकी पक्षियों से रक्षा करो कि पक्षी उसको खा न जाए चावलों को। तो सूर्य तो किंचित कालात अनंतरम एको विचित्र है काकः समुद्भीय तस्याः समीपम् अगच्छत। तो कुछ समय के बाद में एक विचित्र कौवा जो है उड़ करके उसके समीप में आ गया, ठीक है ना, उसके पास में आ गया। तो नेता दशः स्वर्ण पक्षो रजत चंजु स्वर्ण काकस तया पूर्व दृष्ट है। तो उसने कभी भी पहले सोने के पंखों वाला और रजत चंचू चांदी की चोच वाला कौवा पहले उसने नहीं देखा था। स तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तो वो आकर के हंसने लगा कौवा, और उस जो थाली के अंदर जो कौवे रखे हुए थे, सॉरी मुझे क्षमा करेंगे, थाली के अंदर जो चावल रखे हुए थे उन चावलों को वो खाने लगा, ठीक है। तो और हंस भी रहा था वो, अब उसको हंसता हुआ देख करके और चावल खाता हुआ देख करके वो बच्ची रोने लग गई। क्योंकि क्यों रोने लग गई? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको क्या कहा था कि इन चावलों की अपने को रक्षा करनी है। तो तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत तण्डुलान् मा भक्षेय मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। तो उसको हटाने के लिए उसने उनसे प्रार्थना की, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी वो घबरा भी गई थी उससे। तो उसने उससे प्रार्थना की कौवे से, सोने के पंखों वाले कौवे से उसने प्रार्थना की कि मेरी माता बहुत गरीब है इसलिए इन चावलों को तुम मत खाओ। तो स्वर्ण पक्ष का गया प्रोवाच, तो सोने के पंखों वाला जो कौवा है वो बोला, माँ शुचः, अरे तुम घबराओ मत, सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहिः पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगन्तव्यम्। तो सूर्योदय के बाद में, सूर्योदय से पहले, यानी कि
सुबह सुबह जल्दी जब सूरज नहीं उगे उससे पहले पहले तुम गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है वहां पर तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुर मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे को तुम्हारे जो जितने चावल मैं खा रहा हूँ उन चावलों का मूल्य दूंगा। तंडुल का मतलब चावल है ना। तो प्रहर्षिता बालिका निद्राम अभी न ले भे, तो वो बालक जो छोटी बच्ची थी वो बहुत खुश हो गई और उसको उस रात नींद भी नहीं आई, क्योंकि कौवे ने उसको क्या कहा था, सोने के पंखों वाले कौवे ने उसको कहा था कि तुम्हारे को सूर्योदय से पहले आना है, इससे रात भर वो ठीक से सो भी नहीं सकी। तो सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थितः, तो सूरज उगने से पहले वो वहां पर चली गई गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के पास। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत् स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, तो उसने ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर एक सोने का महल सा बना हुआ था, पेड़ के ऊपर सोने का महल, तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ पर तो सोने का महल प्रसाद यानी महल सोने का बना हुआ है। तो यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्त तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, तो जब कौवा सुबह उठा नींद से तो उठते उसने खिड़की में से देखा वहां पर उस महल के अंदर सोने की खिड़की थी, तो उस खिड़की में से उसने बाहर नीचे झांका तो बोला भगो बाले तो आगता तिष्ठ, अरे तुम आ गई बच्ची तो आओ, अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मतलब अब पेड़ पे चढ़ने के लिए उस महल के अंदर जाने के लिए जो कि पेड़ के ऊपर बना हुआ है तो उसमें जाने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत थी, तो वो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए नीचे सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ कि सोने की सीढ़ी उतारूं तांबे की सीढ़ी उतारूं या चांदी की सीढ़ी उतारूं। तो कन्या वदत, तो कन्या बोली अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ, ताम्र सोपानमेव आगमिष्यामि, तो मैं तांबे की सीढ़ी से भी ऊपर आ जाऊंगी। तो परम स्वर्णमय सोपानयन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वो सोने की सीढ़ियों से ही जो है वहां पर ऊपर गई, ठीक है, यानी उसने उसके लिए क्या है सोने की सीढ़ियां ही नीचे उतारी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।